कैसे हो सम्राट? 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवर्ष में सभी रहने वाले बहुजनों का और सभी का इस पर दृष्टिकोण क्या है, यह जानते हैं। आज इस खास मुलाकात में हम मिला थे आप लोगों से माननीय धर्मेंद्र सरदार सर, जो कि एक बहुजन एक्टिविस्ट है। आइए मिलते हैं धर्मेंद्र सरदार सर। तो सर, हम जानना चाहते हैं, हमारे प्रेक्षक जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद में सही मायने में आजादी की जो हम परिभाषा कहेंगे वो क्या होनी चाहिए और हाल फिलहाल क्या स्थिति है? तुषार जी, आपका जो सवाल है वो हर समय में रिलेवेंट है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे देश में जो है आजादी का कार्यक्रम मनाया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का कार्यक्रम मनाया जाता है बदस्तूर। सरकार इसको मनाती है, मनवाती है, स्कूल में और कॉलेज में, ऑफिस में कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को जानकारी चलती है कि भाई 15 अगस्त है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, हम लोग आज़ाद हुए, इसकी कोई यानी अंतर भावना जो है लोगों में वो इतनी दिखती नहीं, क्योंकि आज़ादी का मतलब है कि आपको शारीरिक रूप से नहीं बांधा गया था, है ना। देश में जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा था, देश आजाद हो रहा था मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल के बैकवर्ड क्लासेस, ब्राह्मण्स, बनिया, उच्च जाति के लोग, ये सब आजाद हो रहे थे, ऐसा पिक्चर बनाया गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा था। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन शासक, एक शासक से दूसरे शासक की तरफ ये जो है पावर चेंज हो रही थी, क्योंकि जो लोग जैसे आज बहुजन समाज हम जिनको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों की जो समस्याएं यानी 30 में थी, 1930 में थी, 1940 में थी, 1950 में थी, है ना, 47 में भी थी, और वो 47 की समस्या क्या आज खत्म हो गई है? नहीं। उनको 2 जून की रोटी कमाना आज भी उतना ही बदस्तूर जारी है, उनको तकलीफ है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी आज भी नहीं मिल पाई है। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है कि किसी आदमी के ब्रेन में जो विचार चल रहा है उस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको उस तरह का वातावरण देना। तो भारत में जब आजाद हुआ भारत, तो क्या शासन प्रशासन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों का भरना हो गया? नहीं हुआ। लोग आजाद हुए तो क्या भारत के साधन संपत्ति पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का कब्जा हो गया? नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ तो क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के रहन सहन में, उनकी जाति व्यवस्था में, उनका छुआछूत में, उनका इसमें कोई परिवर्तन हुआ? वास्तविक तौर पर इनको एक एक पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ जो अंग्रेजों के हाथ से निकलकर भारत के ब्राह्मण बनिया लोगों के हाथों में पहुंच गया। शुरू का शुरू में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो आजादी मिली है वो कम तर मिली है, यानी पूरी तरह से आजादी नहीं मिल पाई। वो तो जिनको जो आजादी या उनको जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है वो संविधान के बदौलत 26 जनवरी 1950 से मिलना शुरू हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी एनक्रोचमेंट है, उनको भी इतना वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी जो है अभी भी देश प्रस्थापित नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को एक लास्ट स्पीच किया था संसद में, संविधान सभा में, तो संविधान सभा में बाबा साहब ने बोला था कि इट इज अ डाइवर्सिफाइड सिचुएशन, वी आर एंटरिंग इन टू डाइवर्सिफाइड सिचुएशन हियर आफ्टर नाउ, there will be a political equality in the country, but at the same time there will not be a social and economical equality. तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारे पास तो राजनीतिक समानता होगी
लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी। और बाबा साहब उसमें ये भी बोलते हैं कि जितने जल्दी हो सके भारत की सरकारों को चाहिए कि वो सामाजिक और आर्थिक जो है ये बराबरी प्रस्थापित करे, अन्यथा ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा कि हम लोग ऐसे देश को कैसे बनाए रखेंगे। ये कंसर्न था बाबा साहब का, और इसी आधार पर हम आज भी कह सकते हैं 2021 में भी कि शुरू से बैकवर्ड क्लासेस के और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को उसी समस्याओं के साथ जूझ रहा है, जूझना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आजादी जो है इन लोगों को उस मात्रा में नहीं मिली जिस मात्रा में मिलनी चाहिए। सर, इसका मतलब यह है क्या कि शासन प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट है जो है उसको फुलफिल कर उनकी स्थिति को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन को दी गई है क्या सर संविधान में? बिल्कुल बिल्कुल, संविधान ने बोला ही है कि संविधान में आप देखेंगे कि आपके पास पूरे फंडामेंटल राइट्स है जो आदमी को एम्पावर करते हैं, आदमी को जीने का अधिकार देते हैं, आदमी को बोलने का अधिकार देते हैं, आदमी को कहीं भी पूरे देश में जो है वो ट्रेवल करने का अधिकार देते हैं, उनको जो है संरक्षण देते हैं कि उनके अधिकारों की अगर एक बात नहीं मानी जा रही है तो उनको कोर्ट में जाने का अवसर प्रदान करते हैं, उनको हक देते हैं, है ना। तो ये सारे जो अधिकार है ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और वो सारे देश में सारे लोगों को इक्वल दर्जा मिल पाए। लेकिन इक्वल दर्जा मिल गया है, आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, कोई भी एक अदना सा आदमी बता सकता है कि सारे लोगों को इक्वल दर्जा उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि सामाजिक गैर बराबरी आज भी देश में अस्तित्व में है। आज भी घोड़ी चढ़ने वाले आदमी को मारा जाता है, आज भी कोई मूछ रखता है तो उसकी जान चली जाती है, आज भी ओबीसी को जो है अपने अधिकारों के लिए जो बाबा साहब ने 1953 में किया था कल को आयोग स्थापित हो गया, यानी संविधान में जो व्यवस्था की 340 की वो आज भी उस तरह से लागू नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि जिस बातों के लिए उनको 1947 में फेस करना पड़ रहा था, जूझना पड़ रहा था, उन्हीं सब बातों के लिए आज भी अगर जूझना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को किस तरह की आजादी अभी तक मिली। सर, 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, हम आपकी बातों से जान रहे हैं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है कि देश आजाद हुआ और दूसरा दृष्टिकोण है कि देश में आजादी ये सिर्फ कुछ हद तक सवर्ण लोग और कुछ 15% जो अपर कास्ट है उन्हीं को लेकर ज्यादातर मतलब फायदा उन्हें पहुंचा है और बहुजन समाज अभी भी इससे दूर है, वंचित है, दूर है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस जानना चाह रही है कि जब ये जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है तो वो उसे फुलफिल करने में क्यों दिक्कत महसूस कर रही है? देखिए, जैसे अभी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और 26 जनवरी 50 से लेके अब तक जो है हम कह सकते हैं कि 71-72 इयर्स जो है संविधान लागू हो गए, लेकिन भारत सरकार की मनीषा के ऊपर, भारत सरकार की मनीषा के ऊपर डिपेंड है, मतलब सरकार में जो लोग हैं उनकी मनीषा के ऊपर डिपेंड है। तो आप उठा के देख लीजिए कि ये 2-4-5 साल छोटी मोटी सरकारें जो है 4 महीने की 3 महीने की देवगौड़ा की सरकार, गुजरात की सरकार, नीति सिंह की सरकार, ये छोड़ दिया जाए तो कॉमोबेश जो है मैक्सिमम लोग जो है ये ब्राह्मण लोगों के हाथ में रही है सरकारें, और ज्यादातर सरकारें ब्राह्मणों के नियंत्रण में रही है। तो नियंत्रण में जब सरकारें हैं, नियंत्रण में सब न्यायपालिका है, नियंत्रण में जो आयोग है, नियंत्रण में आपका मीडिया है, नियंत्रण में शासन प्रशासन है, सब आपके नियंत्रण में है, इसके बावजूद अगर आप उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो एक तो बात है कि आप इसको करना नहीं चाहते जिसके वजह से नहीं हो रहा, या फिर आप में कैपेबिलिटी नहीं है जिसके वजह से नहीं हो पा रहा। तो हम तो दोनों बातों को इसी तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटियां है, शासक जातियां है, ग्रामीण बनिया शासक जातियां जो है उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उनकी मंशा है, उनकी मंशा नहीं है कि आपको आजाद करे, धार्मिक स्वतंत्रता दे, सामाजिक स्वतंत्रता दे, आर्थिक स्वतंत्रता दे, नहीं तो फिर क्या है? ये दो ही बातें जिनके हाथ में है सत्ता। सर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि
आपकी जो दृष्टिकोण आपने यहाँ पर रखा है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कांशीराम मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज जो है आज भी जो है स्वतंत्र भारत में गुलाम है। हाँ सही कहते। तो इस बात को आप जो है यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग भी कोई अनेक बाहर से तो आए नहीं, हमने जो महापुरुषों को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ाया, फुले जी को पढ़ाया, कांशीराम साहब का लिटरेचर पढ़ाया है और उसमें से ही हमारी सोच बनी है, हमने कुछ नया अपने तरफ से नहीं लाया है। ये जो महापुरुषों ने लिखा है, महापुरुषों ने कहा है और कई नेता लोग कहते रहते हैं, उसके माध्यम से ही हम ये जो बात है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। वो वन एंड द सेम है कि जैसे वो लोग कह रहे थे वैसे ही हम लोग कह रहे हैं। सर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर लगता है कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली, मतलब हमें हम आजाद हो गए, और 16 अगस्त को साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं थे, उन्होंने 16 अगस्त को एक मोर्चा निकाला, बहुजनों का मोर्चा निकाला और इसका प्रोटेस्ट किया और एक नारा दिया कि यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे सर? ये एकदम सही है क्योंकि देखिए 16 अगस्त को उन्होंने 20,000 लोगों का मोर्चा निकाला, 20,000 लोगों का नेतृत्व करना उस समय में एक बड़ी बात है, और ये 20,000 लोगों को जब उन्होंने इकट्ठा किया और ये बात रखी, ये इसलिए रखी क्योंकि मैंने जो पहले बोला है कि ट्रांसफर ऑफ पावर बोला है, यानी हम लोगों को कोई उसमें राइट्स एंड इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है। इन्वॉल्वमेंट आप देख लीजिए कि फर्स्ट संविधान सभा के बाद में वाली जो है संविधान सभा में 330 ग्रामीण लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा नियंत्रण जो है शासन प्रशासन सरकार पे सब ग्रामीणों का है। और उसके बाद में कल के बाद में क्या हो जाएगा, कल के बाद में क्या आपको अछूत कहना बंद हो जाएगा, कल के बाद में आपको घोड़ी चढ़ना बंद हो जाएगा। 71 क्या 2015 की बात है करो कि आप घी नहीं खा सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप मूछ नहीं लगा सकते, आप रिंगटोन नहीं बजा सकते। ये जो है ओबीसी के लिए, ओबीसी को ना 27% आरक्षण दे सकते, 14% दे सकते, ना उनको नीट में दे कर सकते। ये जो है पूरी तरह से शासन प्रशासन के माध्यम से उपयोग करके जो है इन लोगों को दबाने के लिए ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बाबा साहब बोलते हैं कि मैं इसमें बहुत चिंतित हूं कि अभी अंग्रेज सरकार चली जाएगी और अंग्रेज सरकार के बाद जो हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो इम्प्लीमेंटेशन में अभी हम ये अधिकार भी खो देंगे कि हम ये जो ठिकरा फोड़ने का है असफलता का, वो पहले हम अंग्रेज सरकार पे फोड़ सकते थे कि भाई हमारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। वो ठिकरा हम हमेशा किस पर फोड़ते थे? अंग्रेज सरकार। अभी अंग्रेज सरकार नहीं है, अपनी सरकारें रहेंगी और अपनी सरकारें अगर ये नहीं कर पाएंगी तो हम ये किसके सर पे मरेंगे, बराबर। ये अपनी इनकैपेबिलिटी दर्शाता है इन लोगों की जो शासन प्रशासन में रहे 70 साल से 75 साल से, इनकैपेबिलिटी है या फिर इनमें बिल्कुल मनीषा नहीं है कि वो भारत के लोगों को और भारत को ऊपर उठाने की कोशिश करे। नहीं तो हर साल जो संपत्ति बढ़ रही है, अभी IMF की एक रिपोर्ट कह रही है कि हर साल जितनी संपत्ति देश में बनती है उसमें से 58.4% जो है वो 1% लोगों के जेब में चली जाती है। 58.4% संपत्ति जो है हर साल जो बनती है उसमें से 58.4% जो है वो 1% लोगों के पास चली जाती है और वो 1% लोग जो है भारत का बनिया है, भारत का रानी है, भारत का उच्च जाति का लोग है। और जो एकदम नीचे तबके है जैसे आदिवासी लोग है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोग है, इनको ना रोजगार है, ना इनको ना शिक्षा है, ना इनको कोई सामाजिक आर्थिक समानता प्रस्थापित हुई है। इसके वजह से जो है ये बाबा साहब का कंसर्न था और आज जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसका भी यही कंसर्न है कोमोवश। लेकिन ये है कि आपके माध्यम से ये हम सोशल डिजायर पे बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या फिर अपने अपने में एक्सप्रेस कर रहे। सर अन्नाभाऊ साठे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और एक मराठी साहित्यिक थे, उन्होंने बहुत सी अपनी साहित्य जो है वो मराठी में लिखा है,
तो अन्नाभाऊ साठे 16 अगस्त को एक मोर्चा निकालते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदी में नारा देते हैं, कहते हैं कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बाकी अगर उनके सारे नारे और सारा जो साहित्य देखा जाए तो वो मराठी में है। हाँ। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में? अन्नाभाऊ साठे जी जो है एक महान व्यक्तिमत्व है और वो जानते हैं कि वो कौन सी बात को उठा रहे हैं, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो उन चीजों को समझते हैं। उन्होंने इसको समझा कि अगर वो मराठी में बोलेंगे तो मराठी में बोलेंगे तो ये समस्या जो है महाराष्ट्र तक सीमित हो जाएगी। ये समस्या महाराष्ट्र तक नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की समस्या है और पूरे भारत की समस्या है। तो पूरे भारत को जो लैंग्वेज में जोड़ना है वो लैंग्वेज में ही आपका नारा आना चाहिए। ये नारा जो है बहुत सशक्त नारा है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आप इसको कोरिलेट करिए और आज भी लगा दीजिए, ये मेलघाट में लगा दीजिए, ये बस्तर में लगा दीजिए, ये कालाहांडी में लगा दीजिए, हर जगह पे जो है आपको भूख से मरने वाले लोग दिखेंगे। और देश की जो पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन में पहले 20% लोग जो है 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, गरीबी रेखा के ऊपर उठ के और एक रेखा थी भुखमरी की रेखा, अभी वो 30% लोग। तो आप महसूस कर सकते हैं कि जिस देश को 75 साल की आजादी मिली वो देश 75 साल के बाद अपने 30% लोगों को भूख की कगार पर लेके आता है, क्या ये आजादी है? मतलब सही में हम डाइवर्सिटी में जो एंटर कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा है, ये उनके जो शब्द है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखिए ना 30% पॉपुलेशन आपकी अगर गरीबी रेखा के नीचे है, आप ढोल पीट रहे 75 साल हो गए आपकी आजादी को। 75 साल का पीरियड किसी भी देश को जो है अपने आप को ठीक ठाक चाक चौकबंद करने में के लिए कम नहीं होता। 25 साल नहीं हुए, 50 साल नहीं हुए, 75 साल हो रहे हैं और 75 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। और इतने बड़े अरसे में अगर आप ये नहीं कर पाए, उल्टा आप रिवर्स जा रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर रीथिंक करना है, रीइवैल्यूएट करना है, अपने आप को अंतर्मन में झांकना है कि क्या सही में इससे देश आपकी महासत्ता बनेगा, आगे बढ़ेगा, या फिर लोगों को ऊपर उठाने से आपका देश आगे। सर, अन्नाभाऊ साठे जी ये आंदोलन को कैसे समझ पाए, ये जो डाइवर्सिटी जो सिचुएशन है, हाँ, इसको कैसे समझ पाए और क्या वो किसी आंदोलन से जुड़े थे? देखो, ये पहले तो है अन्नाभाऊ साठे जी का जो है पहले वो कम्युनिस्ट विचारधारा के नजदीक थे, और शरद डांगे वगैरह जो है इनके नजदीक थे, वो डफ बजाते थे, वो 136 के ऊपर उन्होंने नाटक लिख डाले है ना, और फकीरा नाम की जो उनकी बुक है वो बहुत उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, ये जो है। लेकिन ये धीरे 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 उनको भी जाति व्यवस्था समझ में आ गई। जाति व्यवस्था समझ में आने के बाद वो बाबा साहब के करीब आए, बाबा साहब के विचार उनको समझ में आए और फिर उनको लगा कि ये वर्ग संघर्ष नहीं है देश में, ये जाति संघर्ष है। वर्ग संघर्ष को पहले समझ रहे थे कि भाई ये सर्वहारा समाज और फिर ये कैपिटलिस्ट जो है भांडवलशाही लोग है इनके बीच में लड़ाई है, लेकिन फिर पढ़ते दर पढ़ते वो खुलती गई और उनको ये एहसास हो गया कि ये वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये जाति की लड़ाई है। और जाति की लड़ाई में फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मराठी में कहते हैं कि जग बदल घालूनी घाव मज सामून मेले भीमराव, अपने लोगों को बता रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है तो व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है आपके उसके मूल पे समूल पे नष्ट करने के लिए घाव करना पड़ेगा। और वो घाव करने का जो बात है वो किसने बताई है उनको? बाबा साहब बता कर गए, ऐसा बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सर, जब ये अन्नाभाऊ साठे जी ने जब ये नारा लगाया कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, तो उस वक्त की सिचुएशन किस तरह की थी? देखिए, उस वक्त तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, बराबर है। 15 अगस्त को मिला, मतलब 16 अगस्त को क्या एकदम पूरा ये बना नहीं है, सरकारें अंतरिम सरकार है नेहरू की, और ये ट्रांसफर ऑफ पावर को 5 साल लग रहे हैं, है ना।
55-56 तक लोग आते जाते रह रहे देश में, पाकिस्तान बना, भारत बना, एवं पूरा चाओस है उस वक्त, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि मराठी में गोंधळाची स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में जो है ये मोर्चा निकालना, ये क्या एक दिन का नियोजन थोड़ी है, ये मिल रहा है आपको मालूम है, इसके बावजूद आप 16 अगस्त को निकल रहे, इसका मतलब है कि आपको प्री डिसाइडेड मालूम है कि ये आपके पक्ष में जाने वाला नहीं है, ये आपके पक्ष में तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, बीच के दौर में भी नहीं था। आपके पक्ष में अगर आपको लाना है तो ये सब लोगों को जो है, जो बाबा साहब ने बोला है, जो फुले जी ने बोला है, जो शाहू जी ने बोला है, जो अन्नाभाउ साठे जी ने बोला है, पेरियार जी ने बोला, ये सबको हमको इकट्ठा करके जो है इस तौर पर शुरू का बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, बाबा साहब की एक कही हुई बात यहाँ पर याद आती है, बाबा साहब कहते हैं कि वी आर इंडियन फर्स्ट, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे, ये दोनों दुविधा स्थिति हमारे लिए हो जाएगी, एक तरफ तो अन्नाभाउ साठे, इसमें जो रेफरेंसेस होते हैं हमेशा, बाबा साहब बोल रहे हैं कि मेरी जो ये है, ये मेरा देश है, बराबर, मेरे देश में 1000 समस्याएं हैं, और 1000 समस्याओं के बावजूद भी अगर कोई भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तब भी मैं पहले भारतीय हूं, बाद में सब, बराबर। अभी इतना उदात्त हेतु रखने वाला महापुरुष है कि जैसे कोई देश से लड़ाई होगी तो मैं पहले भारतीय हूं, हमारी अंतर्गत लड़ाई हम सुलझा लेंगे, बाबा साहब को विश्वास था कि हम अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने में लड़ाई लड़ते रहेंगे, ब्राह्मणों के साथ लड़ते रहेंगे, इस व्यवस्था के साथ लड़ते रहेंगे, लेकिन सामूहिक हित की जब भारत की बात आएगी तो मैं पहले भारतीय हूं, पहले भारतीय हूं, मैं पहली सीने पर गोली लूंगा, खाऊंगा, मेरे लोगों के हक और अधिकारों की बात जो है भारत से श्रेष्ठ नहीं है, पहले भारत है फिर हम, इसलिए फर्स्ट, इसलिए बाबा साहब ने कहा था वी आर यूनियन फर्स्ट, ताकि हमारा दृष्टिकोण जो है साफ रहे कि हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, करना क्या है, मतलब कि बहुजनों के लिए। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं सोच रहा हूं कि पहले ऐसा नहीं था कि पहले हमारा देश आजाद नहीं था, पहले हमारा देश आजाद था, सोने की चिड़िया हुआ करता था अशोक सम्राट के समय में, और उसके बाद में जो है इन लोगों ने धीरे 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 हमने अपनी आजादी खो डाली, बराबर। तो बाबा साहब बोलते हैं कि अगर हम हमारे लोगों को भविष्य में अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रस्थापित नहीं कर पाते हैं तो मुझे डर है कि ये देश अपनी आजादी दोबारा खो देगा, और दोबारा नहीं खोना चाहिए, इसलिए हमको ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को समान बनाने की आवश्यकता है, हमारे लोगों को हक और अधिकार बहाल करने की आवश्यकता है। तो सर, इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि जब भी देश की बात आती है तो सबसे पहले हमें देश को आगे रखना है, वी आर इंडियन फर्स्ट, और बाबा साहब ने जिस तरह से कहा है कि हमें हमारे सीने पर गोली खाने के लिए सर्वप्रथम सामने रहना है, क्योंकि हम सर्वप्रथम भारतीय है, और जो अंतरिम लड़ाई है हमारे लोगों में, हमारे देश के लोगों में, बहुजन वर्सेस मतलब 15% बनाम 85, तो ये लड़ाई जो है वो हम अंतरिम सुलझा लेंगे, ये लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि समाज को हित संजोए रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम कंक्लूजन पर आते हैं सर कि हमें इसी बात को अड़िग रखते हुए हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये मनाना चाहिए, और हमें जो है हमारे इस बात को भी ना भूलना चाहिए कि हमें हमारे जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें हक अधिकारों के लिए हमें लड़ना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, आप इस खास मुलाकात में आप देख रहे थे धर्मेंद्र सरदार सर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें इस सोशल डिजायर को दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और मिलते हैं नए वीडियो में नए खास व्यक्ति के साथ में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, जय भीम।